हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल साइन अप आर्ट में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोचेट से पफ स्टिच वाली ऐसी वाली एक बैग। ये बहुत ही इजी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, दो कलर का वूल चाहिए, एक 11 नंबर वाला क्रोशिया हुक चाहिए और एक कैंची चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 8 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब मैं क्या करूँगी, ये जो चेन बनाया इसको मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। अब एक चेन बना लूंगी। अब ये जो सर्कल बना है इसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये 1, 2, हमें 9 टाइम्स बनानी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब ये जो फर्स्ट वाला हमने बनाया था इसको मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। फिर एक चेन बना लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने स्टिचेस बनाए हैं इसके हर एक स्टिचेस में मैं पफ स्टिच बनाऊंगी। 4 लूफ लेके, ये 1, 2, 3, 4। अब इसको इसके बीच में से लेकर ऊपर एक चेन बना लूंगी। इसके नेक्स्ट वाले घर में भी ऐसे ही बनानी है, 1, 2, 3, 4 चेन बना लूंगी। ऐसे करके हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आ रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, ये जो फर्स्ट वाला घर है इसको मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। अब एक चेन बना लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, ये जो फर्स्ट स्टिच है पफ स्टिच की, इसमें मैं एक पफ स्टिच बनाऊंगी। चेन बना लूंगी। ये जो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर मैं मार्कर लगा दूंगी। अब इसके नेक्स्ट वाले घर में हमें 2 पफ स्टिच बनानी है। इसी घर में हमें दोबारा से पफ स्टिच करनी है। चेन बना लूंगी। ऐसा करके पूरा राउंड कंप्लीट करनी है। पहले वाले में 1 पफ स्टिच, सेकंड वाले में 2 पफ स्टिच, ऐसा करके पूरा राउंड कंप्लीट करके आ रही हूँ। तो देखिए मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। एक चेन बना लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट स्टिच में 1 पफ स्टिच बनानी है। दूसरे वाले पे भी 1 पफ स्टिच बनानी है। और तीसरे वाले पे हमें 2 पफ स्टिच बनानी है। तो ऐसा करके हमें पूरा राउंड कंप्लीट करनी है। 1 पफ स्टिच, 1 पफ स्टिच, फिर 2 पफ स्टिच। तो मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आ रही हूँ। तो देखिए मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी।
एक चेन बना लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ये जो पूरा राउंड है हर घर में मैं एक एक करके पफ स्टिच बना लूँगी। ऐसा करके मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आ रही हूँ। तो देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी, एक चेन बना लूंगी। तो हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखेगा। हर स्टिचेस में एक एक करके मैं पफ स्टिच बनाती जाऊंगी। ऐसा करके मुझे 7 राउंड बनानी है, तो मैं 7 राउंड बना के आ रही हूँ। तो देखिए मैंने पफ स्टिच की 7th राउंड कंप्लीट कर लिया। ये जो हमने बनाया था उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके बाद हमें चाहिए दूसरा कलर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मैंने एक चेन बना लिया तो ये टाइट हो गया। अब मैं इसके ऊपर बनाऊंगी एक एक करके पफ स्टिच, जैसे मैंने पहले बनाया था। तो ऐसा करके मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद हमें 1 पफ स्टिच की एक और राउंड करनी है, तो मैं 2 राउंड कंप्लीट करके आ रही हूँ। तो मैंने पफ स्टिच की 2 राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी, एक चेन बना लूँगी। इसके बाद पफ स्टिच की एक और राउंड मुझे बना लेनी है, तो मैं वो बना के आ रही हूँ। तो देखिए मैंने पफ स्टिच का एक और राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी, एक चेन बना लूँगी। हमारा जो ये अंदर का ये जो हमने ज्वाइन किया था, अब इसको हम एक नॉट बना के कट कर देंगे फूल को। अब हमें क्या करनी है, ये जो एक एक स्टिच है ये वाली, इसके ऊपर ये जो स्टिचेज हैं, तो इसमें हमें एक एक करके सिंगल क्रोशिया करनी है। तो ऐसा करके हमें सिंगल क्रोशर की 2 राउंड करनी है, ये राउंड, इसके बाद एक और राउंड करनी है, तो मैं वो कंप्लीट करके आ रही हूँ। तो देखिए मैंने हर एक स्टिचेस में सिंगल क्रोशर करके 2 राउंड कर लिया। अब मैं इसको स्किप स्टिच से जोड़ दूँगी और एक चेन बना लूँगी। अब हमें ये जो फर्स्ट वाला हुक है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशर बनानी है। अब हम आगे की तरफ जा रहे थे, अब हम बैक साइड में करेंगे। ये जो बैक साइड में हमारा ये वाला घर है, इसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। अब हम ऊन को इसके अंदर से निकाल के ऐसे बाहर ले आएंगे। मैं फिर से दिखा रही हूँ, नेक्स्ट वाले घर में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, ऊन को इसके अंदर से निकालेंगे और फिर इसके अंदर से ऊन निकालेंगे। फिर से बैक साइड में हमें हुक डालनी है, अंदर से धागे को निकालनी है, फिर इसके अंदर से ऐसे निकाल लेनी है। तो हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हम बोलते हैं क्रैप स्टिच। तो मैं ये स्टिच करके पूरा राउंड कंप्लीट करके आ रही हूँ। तो देखिए मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी और एक चेन बना के इसको कट कर लूँगी। ये वाले ऊन को हम ऐसे करके छुपा सकते हैं। तो अब हमें ये बनाना है, इसके लिए हमें
120 चेन चाहिए। तो मैं 120 चेन्स बना के आ रही हूँ। देखिए मैंने 120 चेन्स कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो सेकेंड वाला घर है, ये जो सेकेंड वाला चेन है, इसमें मैं ऐसा करके स्लिप स्टिच कर लूँगी। नेक्स्ट वाले घर में भी हमें वही करनी है, ऐसा करके स्लिप स्टिच करनी है। ऐसा करके हमें पूरा चेन कंप्लीट करनी है। तो मैं पूरा चेन कंप्लीट करके आ गई। तो देखिए मैंने 120 चेन्स में स्लिप स्टिच करके मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसमें एक चेन लगा के इसको कट कर दूँगी। तो अब मैं क्या करूँगी, हमारे यहाँ पे 20 पफ स्टिचेस है। अब इसको मैं डिवाइड करूँगी। हमने राइट साइड पे 1, 2, 3 क्रॉस स्टिच को छोड़ के, उसके बाद एक को छोड़ के यहाँ से हमें इसको निकाल लेनी है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर लेनी है यहाँ से। फिर एक पफ स्टिच के बाद फिर से बाहर लेनी है। फिर 1, 2, 3 फिर से अंदर, फिर से एक पफ स्टिच के बाद बाहर। फिर 1, 2, 3, 4, 5 फिर एक पफ स्टिच के बाद बाहर। फिर 1, 2, 3 अब इसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए हमारा बैग बन के रेडी हो गया। आप लोग चाहे तो यहाँ पे बटन लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया। तो हमारा बैग ऐसा दिख रहा है बन के। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे, तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी बनी। थैंक यू।